केवल गोपियों का ध्यान है, मैया का कछु ध्यान ही ना है। बस मैं ही मूर्ख हूँ, पूरा दिन इसको स्मरण करती रही, भूखी प्यासी इसकी चिंता करती रही, मुझे गोपियों के लिए फूल लायो है और अपनी मैया के लिए कछु। मैया अरे वाह, मेरे स्वागत से तो पूरा वृंदावन सजा दिया आपने। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है, वृंदावन तेरे लौटने की प्रसन्नता में ना, राम जी के अयोध्या लौटने की प्रसन्नता में सज रहे हैं। दीपावली है कल, वो स्वागत भी तो मेरा ही था मैया, दिवाली की प्रसन्नता भी तो मेरे लिए ही है, हर मैया के लिए उसका लल्ला जी राम ही होता है ना मैया जे। किसने कहो तुझसे, नाना मैंने कछु ना बोला इसे। अपने राम को रिद्धि से ना लगाओगी मैया? तुझे अच्छे से पहचानती हूँ मैं, हृदय से ना लगनो है तुझे, तो भूख लगी आई इसीलिए सबके बाद तुझे मैया की स्मृति आती है ना? मैया की स्मृति तो सबसे पहले आती है। चल झूठा ना मैया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं भले ही वन में था पर मेरा मन तो आपके पास ही था, इसीलिए तो सबसे विशेष फूल लाई हूँ मैं आपके लिए। मेरे लिए लाया है तू? हाँ लग जाने दे। तुझे पता है तुझे हृदय से लगाने के लिए कितना तड़पी हूँ मैं? मैं भी तो तड़प रहा था मैया, तो आपके लिए कमल का फूल आया हूँ। भूख लगी आई होगी ना तुझे, हुँ? चल मुँह हाथ धुला देती हूँ, आजा चल आजा। अच्छा एक बात बता लल्ला, तूने कमल के फूल को विशेष क्यों कहा? क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है, फिर भी अपने पे कीचड़ ना लगने दे दो, अपनी मर्यादा को भंग ना आने दे दो। ये देखो मैया, जल ही इस पे ना ठहर पातो, इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि संसार में लिपना तो अनाथक बना रहता है। मर्यादा अनासक, कहां से आयो इतना सारा ज्ञान एक ही दिन में, हुँ? और जे कमल का फूल मुझे देकर क्या जताना चाहते है? इसके जैसे मैं भी अनासक बन जाऊं? बोले में हानि ना है मैया, कौन जाने भविष्य में आवश्यकता पड़ जाए। भविष्य में आवश्यकता, जो मुंह में आए बोलते है, चुप कर, खा। बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले तो मुझे जे बता आज मन में क्या क्या हुआ। सखावत का भेद छिपा नहीं पाएंगे, कोई ना कोई तो उगल ही देगा
और यदि उज्जवल ने बताया तब तो बड़ा चराके ही बोलेगा। इससे तो अच्छा है मैं ही बता दूं। बताए मैया, हम सब गैयाओं की रक्षा वैसे ही कर रहे थे, पर से सृष्टि की रक्षा अष्टिकपाल करती है। अच्छा हाँ, पर तभी एक विचित्र घटना हुई। एक वक्त अचानक ही बहुत हिंसक हो गया, पर भगवान श्री नारायण ने सब संभाल लिया। ऐसा उठा के पटको उसे एक ही क्षण में सारी समस्या समाप्त हो गई। संगत का असर हो तो है जो सुना था, आज देख भी लियो लल्ला, तू भी उज्जवल के जैसे बड़बोला होता जा रहा है। चल। मैं सच्ची कह रहा हूँ मैया। हम सभी गुप्तचरों ने अपनी आंखों से देखा है महाराज, एक ही बार में वत्सासुर के प्राण चले गए। ये वत्सासुर का अंत नहीं, एक महायुद्ध का आरंभ है। मेरे और उस विष्णु अवतार के मध्य महायुद्ध। फिर जैसे ही उस वत् को हिंसा करते देखो, नारायण ने ठान लियो कि गोपालक को कोई हानि न पहुंचाने दूंगो। फिर उन्होंने उसे चुनौती दी। अब बस कर लल्ला, जब से आयो है ना तब से कई बार सुना चुको है। मैं रंगोली समाप्त कर लूं, फिर लक्ष्मी जी की पगचिन बनाने में मेरी सहायता करियो। मेरे पगचिन्ह बनाने में आप सहायता करेंगे प्रभु? मैया ने आज्ञा दी है देवी, पालन तो करना होगा। अभी पक्षी क्यों बना रहे हो मैया? लक्ष्मी जी तो अभी आई ना है। दीपावली के दिन वो आए, इसीलिए तो उनके स्वागत के लिए जो पक्षी बनाया जाता है लल्ला। पर दिवाली के दिन तो राम जी आए थे, तो फिर हम लक्ष्मी जी के पक्षी क्यों मनाते हैं मैया? तो राम जी के साथ वनवास से कौन लौटा था? लक्ष्मण जी और सीता जी। और सीता जी कौन है? वही तो लक्ष्मी जी है लल्ला। जब राम जी अयोध्या लौटे तो वे अपने साथ श्री अर्थात सुख समृद्धि और संपन्नता लेकर आए। जे पगचिन लक्ष्मी जी के रूप में उसी का प्रतीक है कान्हा। समझ आई? लो, मुझे तो पूर्णा मौसी के यहाँ जाना है उनका आशीर्वाद लेने, वो अभी तीर्थ यात्रा करके आई है ना। सबको बुला तो लियो है मैंने, पर मैं प्रवचन में का सुनाऊंगी, कछु समझ ही ना आ रो है। दीपावली तो कल है दादी, पर आप आज ही क्यों सजा रहे हो? क्योंकि मेरे राम तो आज ही आएंगे मेरे आश्रम में। पूर्ण अपने भगवान का स्तब्ध खड़ी रह गई देख के।
कृष्णा।